दुनिया के हर फील्ड में कामयाब होने के लिए जहां कुछ चीजें होती हैं जो जरूर करनी चाहिए, वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए। एंड इन दिस वीडियो आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। लेकिन यहां पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो नहीं है कि आपको करना क्या चाहिए। उसके लिए आपके पास मेरी बुक है, उसके लिए दुनिया भर के वीडियोस मैंने आपको ऑलरेडी दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके डेली रूटीन में, डेली शेड्यूल में एक भी मिनट इन सब चीजों में जा रहा है, then I tell you, you cannot become top achiever in network marketing. So if you are ready, then in this video, I'm gonna share with you 5 things network marketers should never do. Hi, this is Deepak Bajaj, number 1 best-selling author, motivational speaker, high performance coach and trainer. देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को मैंने 12 साल बहुत करीब से देखा है, और दुनिया के बहुत सारे टॉप के नेटवर्क मार्केटर्स को मैंने बहुत करीब से स्टडी किया, इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत किया। नेटवर्क मार्केटिंग पे ऐसी कोई शायद शानदार किताब नहीं हो जो मैंने ना पढ़ी हो। ये क्लेम थोड़ा बड़ा है, लेकिन 100 से ज़्यादा किताबें नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप ऑथर्स की पढ़ने के बाद मैंने ऐसी 5 चीज़ें खोजी हैं जो नेटवर्क मार्केटर्स का सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। और ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप किसी भी काम में एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको अपने समय का ध्यान खुद रखना है। आपके ऊपर बॉस नहीं है, आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं है जो आपको बताएगा ये करिए ये मत करिए। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग ए नेटवर्क मार्केटर, यू हैव कंप्लीट टोटल एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सक्सेस। एंड अगर आपको अपनी कामयाबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है आपके डेली स्केड्यूल के साथ। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आइए इन 5 चीजों को जल्दी से डिस्कस करते हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं करनी। नंबर 1, सोशल मीडिया पे अनकंट्रोल्ड टाइम मत लगाइए। सोशल मीडिया को प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज करिए, कमाल की बात है। सोशल मीडिया से अपनी अचीवमेंट्स दुनिया के साथ में शेयर करिए, कमाल की बात है। लेकिन अगर आपने 15 मिनट लगाने की सोची थी तो फिर 15 मिनट लगाइए, 2 घंटे मत लगाइए। सोशल मीडिया बिकम्स एडिक्शन। आप खोजने कुछ और जाते हैं, आप टाइप करिए दीपक बजाज लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियो, आ गया। लेकिन उसके बीच में बाजू में बहुत सारे रिकमेंडेड वीडियोस आएंगे, और वो वीडियो 1, 2, 3, 5 के बाद आपको मालूम ही नहीं चलेगा कौन सी वेबसाइट से कौन सा सामान खरीदवाने के लिए आपको कहाँ लेके जाएंगी। सो सोशल मीडिया हैज़ बिकम काइंड ऑफ एन एडिक्शन फॉर पीपल। कुछ और हो या ना हो, उनके हाथों में ना खुजली जैसा होने लग जाता है और हर 10 मिनट के अंदर मोबाइल देखते रहते हैं। यू नो, सम पीपल फील अगर मोबाइल नहीं बजा 15-20 मिनट से तो उन्हें ऐसे लगता शायद दुनिया रुक गई। सोशल मीडिया को यूज़ करिए अपनी बिजनेस की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसको अपने बिजनेस को, अपने समय को बर्बाद करने के लिए मत इस्तेमाल करिए। सो रिमेंबर 1 थिंग, अनकंट्रोल्ड टाइम ऑन सोशल मीडिया इज योर बिगेस्ट टाइम ड्रेनर। अनकंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन सोशल मीडिया इज योर बिगेस्ट टाइम ड्रेनर। नंबर 2, उन लोगों की मदद करना जिनके पास सिर्फ शिकायतें हैं। एक बार शिकायत हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, लेकिन मैंने इस बिजनेस में क्या देखा है, सम पीपल आर प्रोफेशनल कंप्लेनर्स। दे हैव डन बैचलर ऑफ कंप्लेनिंग, मास्टर्स ऑफ कंप्लेनिंग, डिग्री होल्डर्स हैं ये शिकायतें करने में, और उन्हें जिंदगी में सब कुछ भी ठीक करके दोगे ना तो उन्हें इस बात से शिकायत है कि सब कुछ ठीक कैसे हो गया, भगवान ऐसे कैसे कर सकता है। बी अवे फ्रॉम कॉन्स्टेंट पेरिनियल, यू नो, सम पीपल आर, यू नो, बाय नेचर दे आर कंप्लेनर्स। उनकी समस्याएं सॉल्व करने का प्रयास मत करिए। एक आपको ना समझ आता है कि ये इंसान सॉल्यूशन ओरिएंटेड है या प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। व्हेन यू फाइंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड पीपल, टेल देम ऑन द फेस, या तो वो ठीक हो जाएं या आप उनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा समय बर्बाद करती है नेटवर्क मार्केटर्स का, वो है ऐसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करना जिनकी प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होंगी। कॉन्स्टेंट कंप्लेनर्स, दे आर मास्टर्स, प्रोफेशनल कंप्लेनर्स से दूर रहें। 3, दिस इज डिजास्ट्रस। अपने हाथों अपनी टीम को बर्बाद करने का शॉर्ट फॉर्मूला बताता हूं आपको। आप अपनी टीम के लोगों के लिए वो काम करने शुरू कर दें जो उनको खुद करने चाहिए। आपने किसी के लिए 4 प्लान दिखा दिए, 6 प्लान दिखा दिए, 8 प्लान दिखा दिए। अगर आप चाहते हैं वो बिजनेस में आगे बढ़े तो 9वां प्लान अब उनको खुद दिखाना चाहिए। अगर आप उनके लिए अभी भी प्लान दिखाते हैं तो फिर आप अपना और उनका दोनों का फ्यूचर इस बिजनेस में बर्बाद कर देंगे। नेवर डू फॉर पीपल व्हाट दे शुड डू फॉर देमसेल्फ। याद रखिए, लोगों के लिए वो कभी मत करिए जो वो खुद करने चाहिए।
रजिस्ट्रेशन करना, प्रोडक्ट की डिलीवरीज, अकाउंट्स रखना, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल शुड डू. अगर आपको उनको बिजनेस में आगे लेके जाना है तो उन्हें वो चीज़ें करना सिखाइए. लेकिन सबसे बड़ा टाइम वेस्टर इस बिजनेस में है वो है लोगों के लिए वो सारे काम करना जो उन्हें खुद करने चाहिए. चौथा सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है नेटवर्क मार्केटिंग में, दैट इज कंप्लेनिंग. कुछ लोग खुद से लगे शिकायतें करने में, अपलाइन से, टीम से, क्रॉस लाइन से, सिस्टम से, यू नो, एंड देश से, कंपनी से. सी, नोबडी इज परफेक्ट, आई टेल यू, नोबडी इज परफेक्ट. यू आर नॉट अ परफेक्ट हस्बैंड, यू आर नॉट अ परफेक्ट वाइफ, यू आर नॉट अ परफेक्ट फादर, यू आर नॉट अ परफेक्ट सन, यू आर नॉट अ परफेक्ट मदर, यू आर नॉट अ परफेक्ट डॉटर. सब में कुछ ना कुछ तो इशू है. अच्छाइयाँ देखना ढूंढिए. दुनिया में अगर आप खोजने निकले ना, मैं ऐसी कंपनी खोज के रहूँगा जो दुनिया की सबसे शानदार कंपनी है जिसमें कोई भी कमी नहीं है. या फिर आप ऐसा अपलाइन खोज रहे हैं जिसमें कोई भी कमी नहीं है. आई टेल यू, यू विल नेवर फाइंड समबडी लाइक दैट. इफ़ यू वॉन्ट टू बी रियली रियली सक्सेसफुल माई डियर फ्रेंड्स, देन अपने चारों तरफ की सिचुएशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में और लोगों में अच्छाइयाँ देखिए और अच्छाइयों के साथ में काम करिए. और अगर तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो वो कंपनी छोड़ दो, वो अपलाइन छोड़ दो. तकलीफ ज़्यादा है तो ये बिजनेस छोड़ दो. लेकिन अगर यहाँ रहना है और कामयाब होना है तो फिर सारा दिन शिकायतों का पिटारा लिए हुए मत चालू रहो. राइट, डोंट बी ए कॉन्स्टेंट कंप्लेनर, डोंट कीप कंप्लेनिंग ऑल द टाइम. सो लाइक नंबर फोर्थ टाइम ड्रेनर, बिगेस्ट टाइम ड्रेनर इज कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग. एंड नंबर फाइव, दिस इज माय लास्ट वन टुडे, दैट इज कुछ लोग इवेंट्स की ऑर्गेनाइजिंग में और मैनेजमेंट में लगे रहते हैं. अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से बिजनेस नहीं बनेगा मेरे दोस्त, अच्छे प्रोग्राम में अच्छी संख्या में लोगों को लाने से प्रोग्राम बनेगा. हम इवेंट ऑर्गेनाइजर और मैनेजर्स नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, वी आर नेटवर्क मार्केटर्स. वी नीड टू बिल्ड द बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स. वी एंड बिजनेस विल बी बिल्ट व्हेन यू हैव पीपल इन द प्रोग्राम. प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ऑर्गेनाइजर बन के रह जाना, लोगों को प्रोग्राम में लेना, वो बहुत बुरी बात है. तो मैंने जो ये पांच चीजें बताई हैं, इनको बताने के लिए मुझे 12 साल का तजुर्बा लगा. 7 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है मैंने, हजारों लोगों को मेरे प्रिंसिपल्स के साथ मैंने कामयाबी दिलवाई. खुद मैं मेरी कंपनी के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप अचीवर बना और इतिहास बनाया. और अब ये पांच चीजें अगर आप करेंगे तो आप अपनी कंपनी के टॉप अचीवर बन जाएंगे. और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप पे जाना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग की नंबर वन बेस्ट सेलिंग बुक, आपको एक खबर, जबरदस्त खुशखबरी दे रहा हूं आज मैं, नेटवर्क मार्केटिंग का नंबर वन मोस्ट सेलिंग बुक, हाईली रिकमेंडेड बुक, बेस्ट बुक, एक ऐसी किताब जो नेटवर्क मार्केटिंग में अकेली काफी है. अगर आप उस एक किताब को पढ़ लें तो आपका और आपकी टीम का बिजनेस कई गुना बढ़ेगा. उस किताब का नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, बीए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर. ये किताब ऑलरेडी नंबर वन थी, 9 महीने से लगातार नंबर वन थी. लेकिन उसके बाद भी हमने इसको अपडेट किया, बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया जो ज़रूरी नहीं थी, बहुत सारी नई चीज़ें इसमें ऐड की, कमाल के नए चैप्टर्स, कमाल के नए टूल्स के साथ में इसका एक ब्रांड न्यू, बिल्कुल नया रिवाइज अपडेटेड एडिशन निकाला है, हिंदी में, इंग्लिश में और मराठी में. तो आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग, बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर वहा, इन तीनों किताबों का रिवाइज लेटेस्ट अपडेटेड एडिशन अपने आसपास के बुक स्टोर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे लीजिएगा और अपने बिजनेस में कमाल करिएगा. अगर आपको ये बिजनेस, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इस वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिएगा. इस वीडियो को शेयर करिए ताकि नेटवर्क मार्केटिंग में, आई डोंट नो, दुनिया भर में शायद करोड़ों लोग हैं इस बिजनेस में, शायद करोड़ों लोग नहीं बोल पाऊंगा मैं, यकीनन करोड़ों लोग हैं जो इस बिजनेस में है. इंडिया में लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से करीब 70 लाख के आसपास लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं. उन सबको इस वीडियो की ज़रूरत है. बहुत सारा समय खराब चीज़ों में वो गंवा रहे हैं, ये वीडियो उनकी बहुत सारी मदद कर सकता है. तो इस वीडियो को ज़रूर मैक्सिमम शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां आपको लगे वहां पे इसको शेयर करिए. और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इन पांचों में से कोई एक चीज़ अगर आप कर रहे थे और अगर आपने लिया आज की, आज के बाद मैं ये टाइम ड्रेनर अपनी जिंदगी से हटा दूंगा, अपने डेली शेड्यूल से हटा दूंगा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. मैं जानना चाहता हूं कि इस वीडियो ने किस पॉइंट पर आपकी मदद की. और अगर आप अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, योर ओन चैनल दीपक बजाज. आई एम देयर फॉर यू थ्रू माई बुक्स, माई वीडियोज, माई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग आई कैन डू टू मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ. गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग. मिलकर हम लोग कमाल करेंगे और इस दुनिया को एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे. गॉड ब्लेस यू, लव यू गाइज़.